आसिफ साहब को नामजद तो कर दिया गया, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये हुकूमत भी कोई इतनी आसान नहीं है। ये वो जिस तरह वो खुद कहते हैं कि कांटों की सेज है, और इस वक्त की जो सूरत हाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने एग्रेशन के साथ आई है, बहुत से लोग अफराद नए हैं, यानी यहाँ तक कि उनके चेयरमैन भी पहली मरतबा इस असम्बली में पहुँचे हैं। अगर हम शेर अफजल की बात करें, बिरसा गोहर की बात करें, तो जो इस वक्त पीटीआई की क्यादत नई सामने आई है वो सब वो लोग हैं जो शायद पहली मरतबा पार्लियामान में पहुँचे हैं। इसके दो मैं अपनी तरफ से एक तजिया आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। एक तो ये होते हैं कि पार्लिमानी आदाब से नावाकिफ़ हैं, समझ जाएंगे, और दूसरी इसका ये है कि बाज़ दफ़ा अगर आप कोई चीज़ों को इस तरह से आप गए नहीं होते, मैंने देखा कि पार्लिमान में जो पहली मरतबा, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा जाती हैं उनके तौर अतवार में बड़ा फ़र्क होता है। तो ये एक ऐसी अपोजिशन होगी जो इमरान खान साहब जो चाहते हैं अपोजिशन के, वो जाके छक्के छुड़ा दे, इजलास चलने ना दे। हमने पंजाब असम्बली में देखा कि उन्होंने ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उन्होंने बाइकट कर दिया, और वो कहते रहे कि आए आप हिस्सा बने। तो इस ओपोजिशन को भी अपनी बात का अंदाज़ा है, मैं तो साथ से इनको भी इंगेज करूँगा। तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को मुश्किलात हैं अपनी जगह पर।